हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में स्ट्रेस का होना स्वाभाविक है, क्योंकि स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। और ये जो स्ट्रेस है, तनाव है, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड हो सकता है। बॉडी से रिलेटेड का मतलब है कि फैटिक, हेडेक, स्किन इरिटेशंस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, ब्रेथलेसनेस, टाइट मसल्स। ये आपके माइंड से रिलेटेड हो सकता है। माइंड से रिलेशन का मतलब है वॉरिंग, चिंतित होना, नेगेटिविटी, इंडिसीजंस। ये आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है। इमोशन से रिलेशन का मतलब है कि डिप्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है। बिहेवियर से रिलेशन का मतलब है ड्रिंकिंग मोर, स्मोकिंग मोर, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, रेस्टलेसनेस। तो स्ट्रेस जो हमारे शरीर में, हमारे लाइफ में होता है, ये मेन फैक्टर जो है मैं बता दिया, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड बिहेवियर। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस और तनाव है क्या, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हमारे बॉडी के किसी डिमांड के प्रति रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, जो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस है। जब हमारे चारों तरफ कुछ घटित घटना होती है, उसके कारण से हमारे बॉडी के ब्लड में एक केमिकल रिलीज होता है। और अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस की बात करें, तो इन मेडिकल और बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेस इज ए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज बॉडली और मेंटल टेंशन। स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये बाहर और आंतरिक कोई भी तरह का हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक निगेटिव वर्ड सुनाई देता है, एक गलत विचारधारणा, गलत तरह के माइंड में विचार उत्पन्न होता है। स्ट्रेस मतलब तनाव, हम इसको निगेटिव तरीके से देखते हैं, खराब तरीके से देखते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है आज का मेरा वीडियो, जो मैंने बुक द ऑफ साइड ऑफ स्ट्रेस से लिया है। और ये जो बुक है, ये केली मैगोनिगल के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बुक है, और ये बुक 2015 में पब्लिश हुआ था। इस बुक में ये बताया गया है कि व्हाई स्ट्रेस इज गुड फॉर यू एंड हाउ टू गेट गुड एट इट। और ये जो केली मैगोनिगल हैं, ये अमेरिकन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने स्टैनफोर्ड से अपना पीएचडी किया और वहीं पर एक प्रोफेसर के तौर पे काम करती है। तो दोस्तों, ये जो बुक है, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने जो भी पॉइंट और थॉट्स आज के वीडियो में लिया हूँ, इस बुक का समरी है। ये बुक मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास 10 मिनट टाइम है तो इस वीडियो को देखिए, इसमें आपकी बुक की समरी आपके सामने प्रस्तुत होंगी, जो होप आपको लाइफ में फायदेमंद हो। तो इस बुक में जो केली मैगोनिगल ने जिस बारे में एक्सप्लेन किया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि स्ट्रेस को जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। स्ट्रेस क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है, और अच्छा क्यों है, और इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ताकि हमारा लाइफ अच्छा हो, इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस बुक में जो मेजर टॉपिक्स और पॉइंट हैं, जो की लेसन्स हैं, वो है स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर यू एंड इट कैन बी योर मोस्ट पावरफुल रिसोर्स, सो डोंट थिंक ट्वाइस, एक्सेप्ट योर स्ट्रेस टुडे। और इनका जो पंच लाइन है ना, बुक के कवर पेज पर भी आप देख सकते हैं, व्हाई स्ट्रेस इज गुड फॉर यू एंड हाउ टू गेट गुड एट इट। तो आइए हम देखते हैं क्या और है पॉइंट जो हमारे लिए लाभदायक है, और स्ट्रेस मुक्त लाइफ कैसे बनाया जा सके, और स्ट्रेस को कैसे पॉजिटिव लिया जाए। स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर यू, स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है, कैसे है, इसके लिए क्या किया गया कि रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1998 में अमेरिका के 30,000 एडल्ट पर एक सर्वे किया गया, और वह सर्वे जो है 8 साल तक चला, और उसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता था।
पहला क्वेश्चन ये था कि पूछा जाता था कि पिछले बीते हुए साल में आपने कितना स्ट्रेस महसूस किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या आप मानते हैं कि स्ट्रेस आपके लिए खतरनाक है। इसके बाद ये 8 साल तक जो एक्सपेरिमेंट चला तो रिजल्ट में ये देखा गया कि जो मरने वाले लोग हैं उनमें से 43% लोग वैसे लोग हैं जो मानते थे कि स्ट्रेस उनके लिए बुरा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस इज बैड ओनली व्हेन इफ यू थिंक इट इज बैड एंड मेनी टाइम्स स्ट्रेस इज सो गुड दैट विदाउट स्ट्रेस यू कांट डू इट। तो कहने का मतलब है कि रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एज बिलीविंग दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। देखिए, स्ट्रेस को कम करना कोई अच्छा उपाय नहीं है, स्ट्रेस को अच्छे वे में, उसको पॉजिटिव वे में लेना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोला जाता है कि स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर यू। तो अब स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर यू कैसे हमारे लिए ये स्ट्रेस अच्छा होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, और जो मेन कारण इन्होंने बताया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्ट्रेस हमारे लिए गुड कैसे है, स्ट्रेस से हमें क्या पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। तो पहला है, स्ट्रेस गिव्स यू एनर्जी। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस से हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। कैसे मिलती है ऊर्जा और ताकत, देखिए जब हमारे दिमाग में, मन में, शरीर में जो भी स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, हमें पसीने, किसी को पसीना निकलने लगता है, किसी की सांस जो ब्रीथिंग जो होता है फास्ट होने लगता है, तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और हार्ट रेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि हमारा बॉडी एक इन बॉडी और इनर्जाइज हो जाता है, और बॉडी इनर्जाइज होता है तो क्या होता है, हमें अच्छे टास्क और ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए उत्तेजित करता है। इसलिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मेक्स यू फील फोकस्ड एंड एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट एंड एनर्जाइज। इफ यू बिलीव दिस इज ए गुड फॉर यू, सडनली यू विल बी परफॉर्मिंग एट द हाइट ऑफ योर पावर्स। तो ये है कि कैसे हमारे लिए स्ट्रेस जो है एक एनर्जी का स्रोत है और कैसे हमें एनर्जाइज करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेस मेक्स यू सोशल। देखिए, जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हम अगर किसी को हग करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं तो जो हार्मोन निकलता है वो उसको क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है, हमें किसी को फील करने, मदद करने, प्यार करने के लिए मजबूर करता है, ये हमारे फैमिली के रिलेशंस को बनाता है अच्छे से, ये फैमिली रिलेशंस अच्छे बनते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मेक्स यू सोशल। अब इसके लिए क्या है, ऑथर ने एक और रिसर्चरों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने 1000 लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि पिछले साल आपको कितना स्ट्रेस हुआ था, और उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि पिछले साल आपको अपने दोस्तों की कितनी मदद की और आपने अपने फैमिली के साथ कितना टाइम गुजारा। तो इसका रिजल्ट जो आया, 5 साल तक एक रिकॉर्ड को चेक किया गया और इसके रिजल्ट में देखा गया कि जो लोगों का डेथ हुआ था उनमें 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया था, और इसलिए मरने वालों में जो संख्या 30% लोगों की जो थी वो उन लोगों की थी, तो इनको स्ट्रेस तो था और उन्होंने अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया था, और जिन्होंने अपने फैमिली को टाइम दिया था, सोशल रहे थे, उनके मरने की संख्या कम थी। तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस मेक्स यू सोशल, स्ट्रेस आपको क्या होता है, सामाजिक बनाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि स्ट्रेस लाइफ इज मीनिंगफुल लाइफ। स्ट्रेसफुल लाइफ इज मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये है कि देखिए, मीनिंगफुल वर्क करने में स्ट्रेस का होना नॉर्मल है। अगर हम कोई भी
कठिन काम या अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें चैलेंजेज आते रहते हैं, उस चैलेंजेज को हमको एज ए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट 2005 और 6 में किया गया। उस एक्सपेरिमेंट क्या था कि वर्ल्ड के 121 कंट्री में करीब 1,25,000 लोगों पर एक पोलिंग करवाया गया, और वो पोलिंग के दौरान उन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। और पोलिंग में क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, उनमें फोन के द्वारा, और जो डेवलपिंग कंट्री में वहां घर पर जाकर सर्वे किया गया। और ये सर्वे करने के बाद रिजल्ट ये आया कि जो डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका, यूएस, उसमें जो स्ट्रेस इंडेक्स एक पैरामीटर है जो कैलकुलेट किया गया, तो उसमें स्ट्रेस इंडेक्स जो आया वो 43% आया। तो 43% स्ट्रेस इंडेक्स ज़्यादा का मतलब है कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ। तो जो अमेरिका का स्ट्रेस इंडेक्स था वो 43% था। उसी तरह से एक अफ्रीकन कंट्री मॉरिटेनिया का स्ट्रेस इंडेक्स जो है वो 5% आया। जो मॉरिटेनिया एक गरीब कंट्री है, अनडेवलप्ड है, वहाँ का GDP बहुत कम है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो अमेरिका एक डेवलप कंट्री है जहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे स्ट्रेस इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू एक अनडेवलप्ड कंट्री जो अफ्रीका का मैंने नाम लिया। तो इससे ये कहा गया और ये रिजल्ट माना गया, ये जरूरी नहीं है कि जो लोग खुश हैं उनकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, और ये भी जरूरी नहीं है जो कि स्ट्रेस फ्री है वो खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुश हैं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल है और आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा से व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस उसमें है। इसलिए मीनिंगफुल लाइफ जो है वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो क्या है कि जो लोग लाइफ में मीनिंगफुल काम करते हैं उन्हें लाइफ में चैलेंजेज स्ट्रेस आता है। मान लो आप अगर बैठकर अपने पेरेंट्स के पैसे पर आराम कर रहे हैं तो कुछ दिन में बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो इसलिए आपको एक मीनिंगफुल वर्क और अपने गोल के प्रति काम करोगे तो स्ट्रेस होगा ही, तो इस स्ट्रेस को पॉजिटिव लीजिए, इसको चैलेंज के रूप में लीजिए और अपने लाइफ को अच्छा बनाइए। तो ये था ये मेन जिस्ट और हम समरी बोल सकते हैं इस बुक का, द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस का, जो मैंने आपके सामने बताया। आइए हम इसको समराइज कर देते हैं कि इस बुक का जो समरी है ये हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे ज़िंदगी में कैसे महत्वपूर्ण है, क्या क्या शिक्षा मिलती है। तो लेसन वन ये है कि स्ट्रेस इज ओनली हार्मफुल टू योर हेल्थ इफ़ यू बिलीव इट। अगर मानते हैं कि ये स्ट्रेस हमारे लिए ख़राब है तो आपके लिए ख़राब है, अगर इसको नहीं मानते हैं कि हमारे लिए ख़राब है, इसको चैलेंज और पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा लेसन ये है कि द स्ट्रेस पैराडॉक्स इज दैट हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस बिलोंग टुगेदर। मैंने बोला कि आपको जहाँ स्ट्रेस होगा वहीं पे आपका मीनिंगफुल लाइफ है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो आपको स्ट्रेस नहीं है। और तीसरा लेसन है कि यू कैन चैनल योर स्ट्रेस इनटू एनर्जी दैट बूस्ट योर परफॉर्मेंस। अब अपने स्ट्रेस को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए, उसको पॉजिटिव लीजिए ताकि आपकी लाइफ के जो गोल हैं अचीव हो और आपका जो परफॉर्मेंस हो अच्छा हो। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। कहने का मतलब है कि कोई घटना घटित हो जाता है उस पर ज़्यादा उसको वो ध्यान मत दीजिए और उसका कोई मतलब नहीं था। अब जो आपके साथ होने वाला है उसको पॉजिटिव बनाइए और अल्लाह अपने लाइफ को अच्छा बनाइए ताकि आपका लाइफ स्ट्रेसफुल हो, आपका जीवन सुखमय हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक कमेंट दीजिए ताकि आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जा सके। और अपने दोस्तों और फैमिली में इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाइफ स्टाइल चेंज हो, उनकी थिंकिंग जो है स्ट्रेस के बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं वो उसको पॉजिटिव बनाएं और अपने लाइफ में उन्नति करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।